हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड फ़ोन्स की एक बहुत ही कमाल की सेटिंग के बारे में, जिसका नाम है स्क्रीन पिनिंग। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि स्क्रीन पिनिंग होता क्या है और इसका इस्तेमाल हम बेसिकली कहां पर और कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि स्क्रीन पिनिंग यानी स्क्रीन को पिन कर देना या फिर फिक्स कर देना, मतलब कि अगर आप चाहते हो कि इस टाइम पर जो भी एप्लीकेशन या जो भी स्क्रीन आपने अपने फ़ोन में ओपन कर रखा है सिर्फ वही एक्सिस हो, सिर्फ वही चले और यहाँ पर किसी भी प्रकार के बैक बटन या फिर पावर बटन प्रेस करने पर या फिर किसी भी तरह से कोई और एप्लीकेशन ओपन ना हो, सिर्फ जो एप्लीकेशन आपने ओपन कर रखा है सिर्फ वही एक्सिस हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर बेसिकली स्क्रीन पिनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि सपोज़ आपने अपना फ़ोन अपने घर में किसी छोटे बच्चे को दे दिया गेम्स वगैरह खेलने के लिए या फिर वीडियोस देखने के लिए, तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि वह आपके फ़ोन में कुछ छेड़छाड़ करने लगते हैं, जिससे अनजाने में आपके फ़ोन में कई बार ढेर सारी सेटिंग्स ख़राब हो जाती हैं या फिर फ़ोटोज़ डिलीट हो जाती है और कहीं पर कॉल लग जाता है और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ऐसे में आप उनको अपनी फ़ोन की स्क्रीन को पिन करके उन्हें दे सकते हैं, तो ऐसे में वह और किसी भी चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ जो एप्लीकेशन आपने उन्हें ओपन करके दिया है सिर्फ उसी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो और अगर आप एक गेमर हैं तो भी यह ट्रिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गेमिंग करते करते अनजाने में आपसे बैक बटन या फिर होम बटन या मल्टीटास्किंग बटन प्रेस हो जाती है, जिससे वह एप्लीकेशन बंद हो जाती है। तो यहाँ पर भी आप स्क्रीन पिनिंग का यूज़ करके अपनी गेमिंग को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इस ट्रिक को अपने एंड्रॉयड फ़ोन में कैसे यूज़ करते हैं। तो स्क्रीन पिनिंग को इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सेटिंग ऑप्शन पर जाना है और सेटिंग ऑप्शन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक मोर सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो मोर सेटिंग पे ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको सिक्योरिटी के ऑप्शन पर क्लिक करना है और सिक्योरिटी के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रीन पिनिंग का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है और यहाँ से आप इसको स्क्रीन पिनिंग को इनेबल कर सकते हैं। और कई सारे फ़ोन्स में ऐसा होता है कि आपको यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन दिख जाता है आपकी सेटिंग को ओपन करते ही, तो आप सिंपली वहाँ से सर्च करके भी इसे ओपन कर सकते हैं। और अगर किसी फ़ोन में ऐसा नहीं होता है तो हमेशा ही अगर आपके फ़ोन में स्क्रीन पिनिंग का ऑप्शन दिया रहता है तो आपको वह ऑप्शन सिक्योरिटी में जाकर मिल सकता है। किसी भी फ़ोन में अगर आप सिक्योरिटी के ऑप्शन को खोलते हैं, सिक्योरिटी सेटिंग को, तो वहाँ पर आपको स्क्रीन पिनिंग का ऑप्शन मिल जाएगा और आप यहाँ से भी सर्च कर स्क्रीन पिनिंग को ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ स्क्रीन पिनिंग, तो यहाँ पर देखिए स्क्रीन पिनिंग का ऑप्शन आ गया है, तो आप यहाँ पर टाइप करके भी स्क्रीन पिनिंग की सेटिंग पर जा सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ से इसको इनेबल करना है और इनेबल करते ही अब आप जिस भी स्क्रीन को चाहें उस स्क्रीन को यहाँ पर पिन कर सकते हैं। तो जैसे मैं फिर से यही सेटिंग ऑप्शन को खोल लेता हूँ और सपोज़ मुझे इस स्क्रीन को अब पिन करना है, तो यहाँ पर इस स्क्रीन को होम बटन प्रेस करने के बाद आपको मल्टीटास्किंग बटन प्रेस करना है और यहाँ पर जितनी भी एप्लीकेशन खुली रहेंगी तो जिस भी एप्लीकेशन को आपको पिन करना है उसको आगे लाना होगा और यहाँ से ये पिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ से मैं इस पर टैप कर देता हूँ और यहाँ पर आपसे परमिशन लेगा कुछ, तो यहाँ से ओके कर देना है। अब यहाँ पर देखिए मेरी ये स्क्रीन पिन हो चुकी है और अब मैं किसी भी तरह से बैक बटन या पावर बटन कुछ भी प्रेस करने से यह स्क्रीन बंद नहीं होगी। तो जैसे मैं बैक बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखिए शो हो रहा है कि टू कैंसिल द फिक्स स्क्रीन प्लीज़ प्रेस द पावर की एंड वॉल्यूम की एट द सेम टाइम। तो इसको स्क्रीन पिनिंग को फिर से अनेबल करने के लिए आपको यहाँ पर पावर अप बटन और वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन को एक साथ प्रेस करना है। तो प्रेस कर देता हूँ, तो यहाँ देखिए आपकी स्क्रीन अनपिन हो चुकी है। तो यहाँ से आप सिंपली इसको अनपिन कर सकते हैं।
और कई सारे फ़ोन्स में ऐसा होता है कि आपको मल्टीटास्किंग बटन को प्रेस करना होता है, तो वहाँ से आप स्क्रीन पिनिंग को अनेबल कर सकते हैं। और कई सारे फ़ोन्स में ऐसा भी होता है कि स्क्रीन पिनिंग को बंद करने के लिए सिंपली आपको मल्टीटास्किंग बटन और बैक बटन को एक साथ प्रेस करना होता है, तो यहाँ से आप उसको बंद कर सकते हैं। सो आई होप गाइस कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और कंप्यूटर से या फिर मोबाइल से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज फर्स्ट। सो वेल गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।